हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है सभी का ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह सुबह की आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह 10 बज चुका है भाई। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मतलब कल सब खाना बना रहे थे, उसी टाइम दोस्तों ब्लॉग खत्म कर दिए। लेकिन अभी से भाई ब्लॉग को स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा कि भाई सूरज जाने वाले हैं माल लोडिंग करने के लिए। तो भाई खाना पीना करके उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, आगे जाके टंकी फुल करवाएंगे डीजल का। भाई देखते हैं कितना का भाई डीजल डलता है। तो आप ब्लॉग से दोस्त बने रहेगा तो आपको पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ब्लॉग से दोस्तों बने रहिएगा और ब्लॉग को करते रहिएगा लाइक। यहीं पे भाई रुके हुए थे, रोड पर ही है भाई JDC के अंदर। उधर भाई ऑफिस था, उस बिल्डिंग के पीछे ऑफिस है ट्रांसपोर्ट का। तो यही भाई सीन है अभी का। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट बार कर देते हैं वापी को बाय बाय, और निकलते हैं भाई यहाँ से। तो ओके दोस्तों, यहाँ से अभी निकल चुके हैं और भाई ये लास्ट है वापी के अंदर, गुजरात के अंदर। तो भाई कल होगा या रात को होगा भाई, तो आप यहाँ का व्यू देख जाइए लास्ट बार भाई। एक महीने बाद फिर वापस आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों इसको कर देते हैं बाय बाय यहाँ पे, और चलते हैं भाई आगे की तरफ। आपको दिखाते हैं व्यू जो भी है दोस्तों। अभी फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को मतलब कट कर देंगे, क्योंकि भाई मतलब इसका वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ भाई। ये है भाई टू अहमदाबाद मुंबई टू हाईवे भाई। और ये आ गया भाई अपना फर्स्ट टोल नाका, जो उदवाड़ा का है भाई। यहाँ पे हमें भाई 50 रुपये का लगते हैं। वैसे भाई 10 सके का अपना हो जाएगा 450 रुपये टोल नाका, लेकिन भाई ये लोकल गाड़ी मान के भाई वापी नंबर गाड़ी के लिए 50 रुपये भाई दुगना टोल नाका लगता है। पहले भाई 25 रुपये लगता था इसीलिए भाई। तो यहाँ से दोस्तों पार करके यहाँ से निकलते हैं जस्ट, और फास्टैग भाई रख दिए तो भाई पॉकेट में बंद करके कि कटेगा नहीं ऑनलाइन, और भाई नहीं कटा है। तो चलते हैं भाई आगे की तरफ, आप व्यू एंजॉय करते जाइए। और यहाँ से निकल के दोस्तों अपना डीजल भरवाएंगे। तो दोस्तों ये रहा भाई डीजल। भाई ज़्यादा फुल नहीं करवा रहे टंकी, अभी टंकी भाई फुल नहीं करवाएंगे। पूरा माल लोडिंग हो जाए फुल गाड़ी का, उसके बाद दोस्तों टंकी फुल करवाएंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों सूरज जाने के लिए 6000 रुपये का डीजल डलवा रहे हैं भाई। ये देख लो भाई डेली का डेली भाई 1 रुपये पड़ रहा है भाई डीजल। परसों 2-3 दिन भाई पहले डलवाए थे 103 रुपये था, अभी 105 रुपये 15 पैसे हो गया भाई। इतना भाई हाई डीजल, पता नहीं चल रहा है भाई कब रुकेगा इसका। ओहो देख सकते हो भाई यहाँ पे डीजल 6000 का भाई 60 लीटर भी नहीं आ पाएगा, 58 लीटर कुछ होगा। ये देख लो भाई 57 लीटर ही भाई हुआ, 57 लीटर। ओहो भाई चलो भाई क्या करें। और भाई साइड में खड़ी कर दिए गाड़ी, थोड़ा टायरों को चेक कर लेते हैं भाई। ये रहा भाई पत्थर छिप के भाई बैठा है भाई, अपने अलमारी जैसा समझ रहा है गोदरेज समझ रहा है भाई, जगह जगह पर भाई छिप के बैठ गया है। पता नहीं ये भी जाएगा क्या उधर पूछना पड़ेगा भाई। तो ये रहा भाई, थोड़ा गिट्टी साफ कर लेते हैं, नए नए टायर है भाई। और यही भाई टायर जो है कमज़ोर है हमारा, ये साइड वाला दोस्तों। ये इधर वाला दोस्तों अच्छा है, लेकिन वो वाला एकदम सादा हो गया दोस्तों, वही कमज़ोर है। देखते हैं भाई कितना देर तक चल पाएगा या नहीं, वो तो आपको रास्ते में मिल जाएगा जो भी आप ब्लॉक साथ अगर रेगुलर बने रहिएगा तो। अभी फ़िलहाल दोस्तों टायर वगैरह चेक करके उसके बाद यहाँ से पानी भर के उसके बाद यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। तो भाइयों अभी दोपहर का भाई 1 बजने वाला है दोस्तों, अभी दोपहर का 1 बजने वाला है। और भाई इतना महंगा डीजल हो गया 105 रुपये, मतलब अगले भाई तुरंत ही 106 रुपये होने वाला है डीजल यहाँ पे, इतना महंगा भाई डीजल। चलो भाई यहाँ से अब निकलते हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए, ठंडा पानी अच्छा पानी, तो भर के यहाँ से दोस्तों अब निकलेंगे पानी आपका। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से निकल गए अपने सूरत के लिए। ये देख सकते हो यहाँ का व्यू। तो भाई रास्तों का एंजॉय कीजिए, मैं इसके साथ एडिटिंग के वक्त भाई सॉन्ग जोड़ दूंगा, आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिएगा, थोड़ी बहुत नींद भी लग रही है भाई।
और ये जगह दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार भंगार लास्ट उनचक्कर भाई औरंगाबाद के लोग लोड करके गए थे भाई, और इधर ही से भाई बिहार जाने के लिए रास्ता था, लेकिन भाई अब जाना पड़ेगा हमें अंकलेश्वर से होके सूरत से होके भाई, तो उधर ही से उधर ही निकल जाएंगे भाई। तो यही भाई व्यू है यहाँ का। भाई ये आ गया अपना दूसरा टोल नाका, पता नहीं यहाँ पे कितना भाई टोल नाका लगता है, वो तो भाई फास्टैग में मैसेज पे आ जाएगा। और भाई यही टोल नाका पार करेंगे, शायद दो ही टोल नाका है सूरत जाने तक, अच्छा रहेगा भाई दो ही लगे, क्योंकि भाई एक जगह ही ज़्यादा लगेगा, 200-250 के टोल नाका हो सकता है। तो भाई वो पहुंच ही गए हैं लगभग भाई यहाँ पे, लेकिन भाई सूरत पहुंच तो गए हैं, इधर से भाई सूरत जाते हैं देख लो लेप मार के, और भाई वहाँ पे सूरत जाने के लिए तो बहुत रास्ता है, तो भाई यहाँ से हमें आगे जाना है लगभग भाई 10 से 12 किलोमीटर आगे जाना है, 7 से 8 या 12 किलोमीटर आगे जाना है। तो देखते जाइए व्यू, पता नहीं है वो भी कन्फर्म भाई, आगे वाला ब्रिज है बोल रहे थे भाई, कड़ोदरा वाला ब्रिज भाई, ओवर ब्रिज भाई, वहीं से भाई लेप मार के जाना है हमें, तो भाई देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं।
दोस्तों भाई वो देख सकते हो भाई आगे की तरफ आ गए हैं भाई, और आगे जाना है हमें। और भाई अभी 2 बज चुका है भाई, टाइम भी दिखाता हूँ आपको मोबाइल में, एक मिनट भाई। ये देख लो पहले होटल, यहाँ पे सभी ड्राइवर भाई लोग स्नान वगैरह सब कर रहे होंगे भाई, खाना वगैरह जो भी है। और भाई आपको टाइम दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई टाइम 2 बज चुका है अपना, 2:04 हो रहा है सुबह, मतलब दोपहर का दोस्तों। तो आप सभी को हमारी तरफ से भाई गुड इवनिंग, ये 2:14 भाई हो चुका है। तो भाई वो आप देख सकते हो मतलब पहुंचने ही वाले हैं जस्ट हम भाई, लेकिन आगे की तरफ भाई बहुत जाम चल रहा है भाई। पता नहीं लोकेशन तो भाई देख लिए, ये देखो भाई भयंकर जाम चल रहा है भाई, पूरा सूरत हमेशा ही लगभग जाम लगा रहता है यहाँ पे भाई। बारिश ख़त्म हो गई तभी भाई, आगे भाई शायद टर्न है, एक कटिंग है भाई रोड के अंदर, तो भाई वहीं पर जाम लगता है हमेशा, और अभी भी लग ही रहा है। तो आप देख सकते हो भाई, पता नहीं कब जाम छूटेगा। धीरे धीरे भाई गाड़ियाँ तो चली जाइए, क्रॉसिंग का भाई है, और ऊपर से भाई रोड भी बन रहा है आगे की तरफ, मतलब बरसात के टाइम में जो सूझी तो ख़राब रहता है रोड, वही बन रहा है। साढ़े 3 हो चुका है शाम का, और भाई पहुंच गए अपने गोडाउन के पास सूरत के अंदर भाई। 11 बजे के चले चले भाई, देखो कितने बजे पहुंचे। और ये रही दोस्तों खड़ी अपनी गाड़ी, आके पहले बत्ता खोले इसमें का, और भाई यहाँ से वो स्टार्ट होगा लोडिंग कपड़ा का। ये गाड़ी लगने के बाद अपनी गाड़ी लगेगी लोडिंग के में, वही दोस्तों माल है जो लोडिंग होगा बॉक्स के अंदर। भाई वो आते वक्त इतना जाम लग गया था बोलो मत यार, मतलब सूरत के अंदर पार करते करते भाई जाम बहुत लग गया है। और ये भाई कड़ोदरा में आए हुए हैं सूरत में, और कड़ोदरा में आके भाई यहीं से माल लोडिंग करेंगे, जो कि 8 टन भाई कपड़ा लोडिंग करना है यहाँ से। 8 टन लोडिंग करके भाई फिर देखते हैं कब तक यहाँ से निकलते हैं भाई, रात तो हो ही जाएगी, 12-1 बज जाएगा शायद रात में, या 11 बज जाएगा, देखते हैं जो भी है आपके वीडियो में सामने आगे मिल ही जाएगा। वीडियो से दोस्तों बने रहिएगा। अभी तो भाई मालूम नहीं कब से लोडिंग स्टार्ट करेंगे, आए हुए भाई अभी 3 बजे आए थे, और भाई 4 बज गए, 1 घंटा से आए हुए हैं। तो बाइक में से यहाँ का व्यू दिखाते हैं भाई आपको। वो रही दोस्तों अपनी खड़ी पड़ी गाड़ी वहाँ पर, और भाई ग्रेट टेक्स GRC ट्रांसपोर्ट का भाई यहाँ पे गोडाउन है सूरत में, कड़ोदरा से भाई आते हैं इधर मार के, पता नहीं कौन सा इलाका है, भूल गए मैं भी बताए थे वहाँ पे तो। और ग्रेट टेक्स GRC इसको भाई शॉर्टकट में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, और वही भाई माल बड़ा बड़ा माल लोडिंग करने के लिए जाएगा। देखते हैं भाई हाइट तो बोल रहे हैं इतना तक आ जाएगा, जितना वो शेड है ना उतना तक हाइट जाएगा बोल रहे हैं, देखते हैं हाइट कितना जाता है। हाइट अगर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें रास्ता तिरपाल करने में, और भाई रूट भी चेंज करना पड़ेगा जाने के लिए। जो भी व्यू है दोस्तों आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा, अभी फ़िलहाल दोस्तों मतलब लोडिंग का स्टार्ट नहीं किया है यहाँ पे, वेट करते हैं भाई
ऐसे नहीं है भाई कि मतलब कहीं कहीं जाके हमेशा लोडिंग करते हैं, कभी कभी मैं ये तो भाई ड्रम लोडिंग की है, वो मतलब पैसा बाकी था वो भाड़ा में का जो अपना बिल्टी वापस पहुंचाते हैं ना पहुंच लेकर, तो उसका भाई 2000 रुपये बाकी था, वही मतलब पैसा मांगने के लिए कॉल किए थे तो वो बोल रहा था कि और माल है ले जाओगे, तो हमने भी बोला चलो ठीक है भाड़ा मिल जाएगा अच्छा खासा और ज़्यादा माल भी है तो ले लेते हैं। लेने के बाद सोचा नहीं था कि भाई किधर आना पड़ेगा और ये माल लोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वापी में ही बहुत सारा माल मिल जाता है और वापी में माल मिल भी रहा था, लेकिन भाई हम लोग लोडिंग नहीं किए क्योंकि भाई वहाँ पे भाड़ा उतना नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए भाई सूरत आ गए 120 किलोमीटर यहाँ से है और इधर ही से भाई वापस से इधर से रास्ता है भाई जाने के लिए, इधर से ही निकल जाएंगे हम, तो भाई यही सीन है इसीलिए भाई यहाँ पे आ गए लोडिंग करने के लिए। नहीं तो भाई क्या सीन रहता है कंपनी में लोडिंग करो, कंपनी के बाद दोस्तों वापस जीएडी सिकंदर से लोडिंग करके भाग जाते थे, एक ही दिन में एक दिन से डेढ़ दिन लगता था यहाँ पे लोडिंग करने में, तो यही सीन है भाई भाई मतलब पार्ट लोड में से ही यहाँ पे शायद गाड़ी जाती होगी सभी गाड़ी दोस्तों देख सकते हो, ये भी गाड़ी आई है छोटी छोटी गाड़ियों से भाई इसमें जमा कर रहे हैं और बड़ी गाड़ियों पे भाई दूर दूर तक यहाँ पे भेज ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं भाई। तो भाई और देख सकते हो लोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया अभी, और भाई लोडिंग करके कब तक निकलते हो तो उस आने वाले टाइम में आपको बता ही दूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को करते रहिएगा लाइक और नए हो भाई चैनल पर अभी भी तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। ओके दोस्तों 6 बज चुका है शाम का और भाई हाइट आपको गाड़ी दिखाता हूँ कितना हाइट हो चुकी है अभी भाई, आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा और लोडिंग करने में, यहाँ पे दिखाता हूँ भाई कितनी हाइट हो गई, देखो बैक कैमरे से दिखाऊंगा तो भाई दिखेगी, ये रहा भाई नीचे, अब ये देखो ऊपर उतर उठते उठते वो देखो भाई, बोलो बोलो भाई हाइट का भाई फाइन कटेगा कि नहीं कटेगा। रास्ता त्रिपाल देखो बोल रहे थे भाई शेड की तरफ उतना तक जाने के लिए शेड से भाई ऊपर लगता है भाई, हो गया है चार चला गया ऊपर, इतनी बड़ी हाइट, फोर लाइन पकड़ के ही जाना पड़ेगा हाईवे टू हाईवे, गांव तो जाने का अभी इस टाइम पे मिलेगा ही ना जब तक ये माल खाली नहीं करो। देखते हैं भाई तो फाइनल आ गई कि ना, दो दो हजार का फाइन भरो इतना हाइट भरो, एमपी वाला भी लगी कने कलोल देखे हलोल वापिस से यहाँ पर तो गए भाई कुछ बचान बचने के लिए, कुछ भाड़ा ज़्यादा मिलेगा कुछ बच जाएगा, लेकिन भाई अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, मतलब वहाँ से भाई भेजे थे तो लगा नहीं था कि हाइट होगा माल, ये कभी कभी भाई माल वो चिंदी रहता है बैठा माल और ये भाई कार्टून भर दिए पूरा, तो ये हो गया दोस्तों माल हाइट और दो दो हज़ार रुपये का चलान करते जाओ तो भाई रूट चेंज करना पड़ेगा, तो पिछली बार की तरह भाई हलोल होते हुए जाना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो भाई मुश्किल तो हो गई और नुकसान भी हो गया डीजल का नुकसान और भाड़ा तो भाई सेम ही हो जाएगा वापी वाला। तो भाई वो इसका भाड़ा का बात कर ले तो भाई 8 टन माल यहाँ से लोडिंग करना है हमें, 8 ही टन दे रहे हैं यहाँ पे और भाई भरेंगे तो और भाई हाइट हो जाएगा पूरा, तो भाई 7.5 रुपये किलो के हिसाब से लगा भाई 7.5 किलो के हिसाब से 8 टन का भाई 8000 किलो का भाई आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो भाई मैं बता देता हूँ इसका भाड़ा भाई 60,000 रुपये हो गया और भाई 70,000 का कल भरे और भाई ये 60,000 का, तो कितना हो गया भाई कमेंट करके बताओ। 1,30,000 रुपये का भाई रिपोर्ट बना है इतना में, और आपको खर्चा भी बता दूं भाई 6,000 का पिछले अभी डीजल लगवा चुके हैं और भाई आगे यहाँ से निकल के टंकी को फुल करवाना है, देखते हैं भाई जो भी सीन रहेगा आपको आगे की वीडियो मिल जाएगा। अभी भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको और मैंने आपको बताया भी नहीं, तो भाई आपको बता दूं कि अभी मैं जा रहा हूँ भाई सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि भाई कुछ ही देर में भाई आधे घंटे और 10-15 मिनट भाई लगेगा इन लोगों को लोडिंग कर देंगे फटाक से भाई, लोडिंग करने के बाद यहाँ से मतलब रास्ता त्रिपाल करेंगे उसके बाद खाना पीना बना के भाई आराम से यहाँ से निकलेंगे रात को। ये देख लो यहाँ से व्यू यहाँ का, हमारी गाड़ी भाई उधर लगी हुई है और भाई ये मेन रोड पर जा रहे हैं हम, वो मेन रोड नहीं है भाई अहमदाबाद 2 6 लेन वाला रोड नहीं है, ये 4 लेन है दोस्तों डायरेक्ट सूरत के अंदर लेके चला जाता है सिटी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भाई, तो ये देख लो ताड़ का पेड़। भाई वो बिल्कुल टाइम नहीं है अभी मतलब सब्जी लेने के लिए जा ही रहा था रास्ते में भाई,
और पापा का कॉल आ गया कि जल्दी आओ, बनवाना है राशन त्रिपाल और लोडिंग वहाँ पे कर दिए। वो बोल रहे हैं कि हटाने के लिए भाई रास्ते से। तो भाई यहाँ पे मतलब यार लग नहीं रहा है कि भाई आज खाना बनेगा। ऐसे चना फुलाया हूँ, देखता हूँ भाई चना मसाला का भाई सब्जी बना दूंगा वैसे। और भाई इसमें ले लिया भाई समोसा वगैरह कुछ खाने के लिए। और भाई जल्दी वापस चला। और भाई राशन त्रिपाल भाई टाइम नहीं, वो बोल रहे हैं भाई गाड़ी हटाने के लिए वहाँ से। अभी भाई रोड के पास पहुंच ही गया था, मतलब किराना दुकान कुछ ही दूर था भाई, मतलब एक से डेढ़ मिनट दो मिनट भाई लगता तो किराना दुकान पे जाने पे वहाँ पे भाई सब्जी मिल जाता। लेकिन भाई पापा बोल दिया कि छोड़ दो उसको, मतलब मत लो सब्जी वगैरह, अभी जल्दी से आ जाओ और यहाँ से निकलेंगे अब, तो जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टर के हाथ यहाँ से गाड़ी हटाओ, दूसरी जगह लेके जाओ, मतलब साइड कर दो इसीलिए भाई, क्योंकि वहाँ पे दूसरी गाड़ी लोडिंग करने की लगेगी। तो फटाक से भाई जल्दी जाते हैं दौड़ के। देखे लगे लगे रास्ता दीपाल का 7:30 हो चुका है अभी रात का। और भाई ये देखो हालत हमारी, आपको अभी हाथ धोने जा रहा हूँ भाई, आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से भाई कितनी हाइट है अपनी गाड़ी और कैसे भाई त्रिपाल रास्ता किए सब बताता हूँ भाई। उधर नल होना चाहिए, यहाँ पे नल है। और भाई रात को तो उतना नहीं दिखेगा आपको व्यू, लेकिन भाई सुबह होते ही आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में शायद, क्योंकि भाई ये लंबा बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो जाएगा, इसीलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर। रात भर भाई कंटिन्यू रहेगा आपका ब्लॉग आपको लिए, आप लोगों के लिए। वैसे देखो दिख रही होगी गाड़ी, भाई सब्जी वगैरह लाने के लिए खाना बनाएंगे यहाँ पे अब। ओके देखते हैं भाई मिलेगा तो ठीक, नहीं तो भाई वही चना मसाला जैसे कि मैंने पहले बताया आपको वही खा लेंगे भाई। भाजी वगैरह सब कुछ ले लिए हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ट्रैफिक का भाई दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। यहाँ पे ट्रैफिक है यहाँ का सूरत के अंदर का भाई, हमें तो भाई उस साइड जाना है संभल के चला जाता हूँ। ये भी भाई उस साइड में जाएगी, बहुत ज़्यादा भाई ट्रैफिक है यहाँ पे देखो की वजह से। ये सोच रहे भाई यहाँ पे खाना वाना आराम से बना के 10-11 बजे तक निकलेंगे भाई यहाँ पे, बहुत भाई बहुत रश चल रहा है यहाँ पे। और ऊपर से दोस्तों तो जहाँ से भाई यहाँ से मुड़े ना आने के लिए वहाँ पे भाई रोड का काम चल रहा है, बहुत पतला जगह है वहाँ पर, तो भाई भयंकर जाम लगा होगी, इसीलिए भाई सोच रहे हैं कि छोटी गाड़ियाँ सभी निकल जाएंगी तब तक भाई यहाँ से निकलेंगे गाड़ी के पास। और भाई ये गाड़ी जो भर है भाई 12 चक्का है यूपी नंबर की गाड़ी, ये भाई गुवाहाटी जाएगी, इसका भी भाई हाइट देख लेंगे कितना भर रही है गाड़ी। ये रहा दोस्तों रात का हमारा खाना भाई, सब्जी रोटी बनाएंगे दोस्तों और इस ब्लॉग के इधर करेंगे ख़त्म, क्योंकि भाई कल के ब्लॉग में आपको जो भी होगा दिख जाएगा। तो वीडियो कर दीजिएगा दोस्तों लाइक।